कल साड़ी पिंड वाली मस्जिद दे विच ऐलान होया कि आसफ दा बच्चा फौत हो गया। बच्चे दा नाम फैजान। ते सारा लोग इकट्ठा हो गया, बिरादरी सारी आ गई, देगां पकनियां शुरू हो गई। जिवें तुहानू पता ही है कि कोई फौतगी होंदी ते घर दे विचो इस तरह का माहौल होंदा कि दुए उसके घर के अवाडी गवाडी जिहड़ी उसकी बिरादरी दे आए नू पहले दिन की तीजे दिन की या सतवें दिन की रोटी पकाइंदे नू। बच्चा बड़ा ही माशाल्लाह खूबसूरत है ही, और 14 तो 15 साल बाद बच्चा उन्होंने घर पैदा होया ही। तो बच्चे जड़ा बीमार हो गया, और जिस घर के एक बच्चा ही होया हो 14 साल तो बाद, और उस बच्चे की भी फिर मतलब खबर इस तरह की आ जाए कि फौत हो गया है, तो बड़ा ही वक्त औखा होंदा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ थोड़ा दोस्त चौधरी अमीर मुआविया चद्दर, ते तुसी वेख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल देसी लाइफ देसी फन, फेसबुक पेज देसी लाइफ देसी फन। मेरी वीडियो नो लाइक ते शेयर लाजमी करना, ते ए वीडियो जनाब साडी कल पिंड दे विच वाकया जिहड़ा होया उहदे बारे विच है। तो मैं गुजारिश ही करना कि तमाम दोस्तों नू इक तस बड़ी ही ज़्यादा दुआ दी अपील है। ये वीडियो उस बच्चे दे वास्ते सी बना रहे हैं जिहड़ा बच्चा अल्लाह ताला ने उन्होंने दिता है 14 साल तो बाद, शादी के 14 साल तो बाद होने वाला बच्चा, तो फिर उसका ऐलान हो गया मस्जिद में। साढ़े पिंड दे विच गरीब जिहा खानदान है जिहड़ा अपनी मेहनत ते मजदूरी ते दिहाड़ी करके गुजारा करते हैं। उन्हां दी शादी हुई बच्चे की, तो बच्चे की शादी तो 14 साल तो बाद अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत जिहा बच्चा जिहदा नाम फैजान आई वह दिता, और बच्चा माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत, मैं खुद अपनी अखां नाल वेखदा रहिंदा सो। तो उस बच्चे नूं आज तो कुछ अरसा पहले बीमारी बन गई, कोई उस दिन दिमाग दे विच ते कोई सिर दे विच मसला बन गया। गरीब बंदे कोल अगर पैसा ना होवे ते बड़ा ही मुश्किल वक्त वो आ वेंदा उसते, ते बेचारे गरीब हाँ नूं एक बच्चा आए, फिर उहनूं खुद ही पता होना चाहिए कि उहदे नाल कितना प्यार होंदा। बच्चे नूं लैके सरगोधा शहर के हस्पतालों में प्राइवेट हस्पतालों में धक्के लेंदे रहे। जहरी गल है, तुहानूं पता है कि प्राइवेट हस्पतालों में या सरकारी में गरीब बंदा होवे तो धक्के ही लेंदा है। बड़ा पैसा उन्हें खर्च किया, बड़ा पैसा खर्च करन तो बाद कदी उन्हें जवाब होवे तो कोशिश उही करन कि साडा बच्चा बच जाए। हालत उन्हां दी बड़ी बेचारियां दी बुरी हो गई टुर टुर के, तो वह बेचारे कदी किसी चंगे तो चंगा हस्पताल, बंदे तो गरीब हैं लेकिन चंगे तो चंगे हस्पताल दे विच उस अपने बच्चे नूं लै गए, और हस्पतालों विचों इलाज करेंदे रहे। लोग दे बंदे काफ़ी पुछण वैन पुछ जी हुण बेहतर है, हुण ठीक है अगे नालो, मतलब जहरी गल है। डॉक्टर भी अगों कुछ इस तरह याद दिन इतों रैफर कर दिता गया, अज तो कोई 4 दिन पहले 5 दिन उन्होंने लाहौर चिल्ड्रन हस्पताल दे विच। चिल्ड्रन हस्पताल दे विच बच्चे नू मतलब ऑक्सीजन ए जी चीज़ा जी ला के बच्चे नू जिंदा रखिया, लेकिन बच्चा यही पता लगा कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो कल मस्जिद दे विच लोकली मस्जिद दे विच ऐलान हो गया, मैं डेरे इतिहास के ऐलान इंज होया कि फलां दा बच्चा आसफ दा बच्चा फैजान फौत हो गया है। तो सारा लोग जड़ा वो इकट्ठा हो गया, बिरादरी आ गई, मंजियां पौन लग पईआं दारे ते। जहरी गल है बे बड़ा दर्द नान होने तो बाद लोग इकट्ठे हो गए, बिरादरी आ गई सारी, खाना पक्कन लग पिया, टाइम मुकर्रर होना है, हले टाइम मुकर्रर नहीं होया कि जनाजा किस टाइम होना है। तो जनाजे का अजे टाइम मुकर्रर नहीं होया, तो एक बंदे का फोन उन्हां दी बिरादरी दा आया कि मैं आना तो जनाजा करवाना है। फौज विच उन्हां दा बंदा है भाई, उस आना है तो जनाजा होना है। लेट हो गई बिरादरी सारी आ गई, बाहरलियां जिलों में भी गरीबों की बिरादरी आई, बिरादरी इकट्ठ हो गया, तो बच्चे की जड़ी मैयत है वह लाहौर तो वह भी आ गई। तो घर के एक जिमें महत्म हों का समा आई, तो लोग बेचारे वेखन आए कि इन्हों के घर अल्लाह तला एडा सोहना फुल अल्लाह दिता है, तो वह भी अल्लाह ले लिया। तो रो रो के हालत माँ प्यो की हालत बड़ी भैड़ी, जड़े उस बच्चे फूफियां मासियां या मतलब जड़े उसके नानके दादके सारे की हालत भैड़ी, और यकीन मन जो बड़ा ही रोना आता है जदों ये समा विखींदा है। कल टाइम पिछला टाइम असर का टाइम होया, सारे लोग आ गए, जनाजे का टाइम ऐलान कोई नहीं होया कि टाइम जनाजा है, और रो परो फोन सारे बंदे आने लग पाया कि फलां बच्चे का जनाजा किस टाइम है सानू दस्या जाए। बंदे कबर खट्टन वग गए, कबर वाल बंदे जा ही रहे हैं, तो पिछों एक बंदा भज के गया, आदा भाई कबर नहीं खटनी बच्चा जिंदा है। वाह मेरा मौला, जिसनों तू रखी उन कौन मारे। पता लगा कि बच्चा जिंदा है,
ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਸ ਰੁਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸਮਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਛਾ कल जिस वे असं सारे लोग इकट्ठे हो गए हाँ माशाला बच्चे ने अखा तो नहीं तकिया लेकिन बच्चा सांस भी लै रहा है बच्चा बिल्कुल ठीक है तो मैं भी उन्हें मेरा भी बड़ा दिल मतलब कर रहा कि मैं थोड़े जितने भी मेरे दोस्त वेखन वाले नो खुदा वास्ते अपील है कि उस बच्चे वास्ते दिल दुआ करन ते दुआ कराओ ते वीडियो नो शेयर लाजमी करना अज भी पता किया बच्चा तकरीबन ठीक है हुण उन्होंने घर दियां मतलब है देगा पकड़ियां सारा उन्होंने कल के किया जिहड़ियां देगा पकियां जिहड़ी रोटी पुराणियां दी पकी उही रोटी उन्होंने मदरसे दे दित्ती माशाल्लाह बड़ी गल है सदका कर दिता और जहरी गल है कि जदों इंज दा बच्चा होए तो कोई रोटी नहीं खांदा बच्चा मतलब इस तरह फिर उन्होंने देगा पकाइया दूसरी वेरी चावलों दियां ते छोटे छोटे बच्चों नूं खवाइया ते बड़े सदके कीते उन्हां कल ते अज कुछ कल नालों बेहतर है कि अल्लाह ताला असीं इह दुआ करदे हां कि अल्लाह ताला उस साडे भाई दे बच्चे नूं उस फुल जे फैजान नूं अल्लाह ताला सलामत रखे अल्लाह ताला उन्हें एक नवी जिंदगी अता करे ते बिल्कुल अपनी हिफ्ज़ो अमान चो रखे ते तमाम दोस्तों को दिलों अपील है कि उस बच्चे वास्ते दुआ करना बहुत मेहरबानी अज दे वीडियो कुछ इस तरह दी आई ते हुण दिओ इजाज़त अल्लाह हाफिज़।